तो ये है अपना गांव, प्यारा सा गांव। तो अभी निकल रहे हैं सुल्तानपुर की तरफ। तो आज मौसम तो काफ़ी बढ़िया है और आज हमारे गांव में वैक्सीन लग रही है दोनों स्कूल में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो चलते हैं, यहाँ पे वैक्सीन लग रही, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत भीड़ है भाई वैक्सीन के लिए। तो ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में है कि भाई वैक्सीन लगवाना है। मोटो ब्लॉगिंग को आपने जो सपोर्ट दिया है वो बहुत ही बढ़िया लगा देख करके, आप लोगों को पसंद आई। तो सबसे पहले तो एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं शिवा श्रीवास्तव व्लॉग्स में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और अपनी धन्नो यहाँ पर दे सकते हैं, अपनी यमाहा के साथ हम निकल चुके। तो बारिश बंद हो गई है, दो दिन बाद लगातार बारिश बंद हुई है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो भैया पहुंच चुके हैं राहुल चौराहा और यहाँ पे भैया कीचड़ वीचड़ बहुत हो रखा है बिकॉज ऑफ बारिश। रेन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत करी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दो तीन दिनों से। और सबसे पहले तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। हमने विश नहीं किया था आप लोगों को, तो भाई माफ़ करिएगा। चलते हैं आज आप लोगों को ओम नगर का थोड़ा दर्शन करा देते हैं। फेमस प्लेस है सुल्तानपुर में, मोहल्ला टाइप है जो भी है, थोड़ा नज़ारा आप लोग उधर का भी उठा ही लीजिए। आज है विश्वकर्मा पूजा, बहुत सारे जगहों पे आज भंडारे हैं तो भंडारे में भी जाना है। तो भाई ओम नगर साइड में ये पेट्रोल पंप काफ़ी फेमस है, हाजी पेट्रोल पंप, तो इधर हम लोग पेट्रोल वगैरह भी फिलिंग कराते हैं। बाकी सामने जो है आवास विकास कॉलोनी है जो कि काफ़ी फेमस एरिया है इधर का, आवास विकास कॉलोनी। आवास विकास कॉलोनी के पास भाई साहब बारिश जब भी होती है तो थोड़ा सा जलभराव हो ही जाता है, जैसा कि आप सामने देखेंगे अभी ये। तो यहाँ पे भाई बचा के करना पड़ेगा, गाड़ी नहीं बंद होनी चाहिए अपनी। धन्नो बंद नहीं होती है, आपको बता दूं मैं, धन्नो मेरी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और ये है आवास विकास कॉलोनी सामने। तो भाई इधर का भी जल भराव देख लो कि दे सकते हैं इधर। अभी चलते हैं अंदर, इधर से ही मुड़ना है हमको। तो भाई चलते हैं अंदर की तरफ। घंटा कोई रूल रेगुलेशन नाम चीज़ नहीं है यहाँ पर। और अपनी धन्नो हमेशा ऑलवेज रेडी रहती है सिटी में चलने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बाइक है यामाहा की। थोड़ा देखने में टूटी फूटी है बट एट द एंड काफ़ी सही जो है परफॉर्मेंस देती है। और भी एंट्री होने वाली है हमारी ओम नगर में, वैसे एंट्री हो ही चुकी है शायद। हाँ, ये जब एरिया है ओम नगर का, गली मोहल्ला जो भी कह सकते हैं ओम नगर। इधर जो घर हैं काफ़ी बढ़िया फील लेते हैं, ऐसे लगता है कि दिल्ली के कोई एक ऐसे बढ़िया से एरिया में आ गए हैं जहाँ की काफ़ी आकर के मज़ा आ जाती है। बोले तो काफ़ी सही सही घर हैं, देखते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिसेंट घर हैं। तो यही है ओम नगर। और ये है बिजली विभाग, देख सकते हैं यहाँ पे सुल्तानपुर सिटी का। और काफ़ी सही यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा चल रही है, तो थोड़ा यहाँ पे काम का तो निपटा लिया हूँ। तो देखिए पूजा पाठ चल रहा है बढ़िया। तो चलते हैं यहाँ से, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान विश्वकर्मा जी का। चलते हैं आप लोगों को सुपर मार्केट आज ले करके, थोड़ा सा आप लोगों को वहाँ का भी नज़ारा दिखाई देते हैं। तो सुपर मार्केट का भी आप लोग इन्जॉय करेंगे थोड़ी देर में। चलते हैं, कीचड़ भरा पड़ा है इधर, इससे कल लाइफ है यार। भाई माइक लगाना भूल गया था मैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वॉइस कम आई होगी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं सुपर मार्केट। और अभी आपको मैंने दिखाया बिजली विभाग की साइड में विश्वकर्मा पूजा चल रहा था, ये सुपर मार्केट, वहाँ का भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाई देते हैं। तो ये है एंट्री, पहली एंट्री इधर है, दूसरी एंट्री सामने से है। तो ये रहा सुपर मार्केट, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सुल्तानपुर में, मोबाइल से शॉप से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो मशहूर हैं सबसे ज़्यादा वो हैं
जय भारत। तो मुझे चलना है चाइना के यार, थोड़ा सा मोबाइल दिखाना है यहाँ पे, तो आपको आगे से व्यू दिखा करके फिर आता हूँ मैं पीछे। सुपरमार्केट भी आप लोग देख लो एक बार पूरी तरीके से, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे मोबाइल की और भी जो भी एक्सेसरीज हैं इलेक्ट्रॉनिक की। जय भारत सामने है ये। उधर एक रेस्टोरेंट भी है, कूल होम रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल भी है अंदर। बाय द वे मैंने कभी विज़िट नहीं किया है, बट करेंगे कभी ना कभी, ज़रूर करेंगे। तो ये है पूरा फुल सुपरमार्केट। यहाँ पे लिट्टी चोखाले बड़े फेमस हैं, 20 रुपए का देते हैं शायद दो, आफ्टर करोना मुझे नहीं पता। ये एक और रेस्टोरेंट है डाइट करके, इधर डॉक्टर भी बैठते हैं अंदर थोड़ा बहुत। तो चलते हैं सीधे न्यू चाइना केयर पे, फिर देखते हैं क्या सीन है। थोड़ा सा फ़ोन में चार्जिंग इशू है तो दिखा लेते हैं। ये है न्यू चाइना केयर, चलते हैं दिखाते हैं फ़ोन, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी अपने फ़ोन दिखा लिए हैं यहाँ पे, J2 अपना थोड़ा सा दिक्कत में था, तो अभी वो बनेगा नहीं। बनेगा बोले तो चार्जिंग पोर्ट अगर बनाते हैं तो उसका डिस्प्ले भी जा सकता है, क्योंकि डिस्प्ले उसमें थोड़ा पुराना लगा हुआ है, या बोले तो सेकंड हैंड लगा हुआ है। तो अभी इसको कैंसिल कर दिए बनवाना, चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सुपर मार्केट का व्यू, तो यहाँ से चलता हूँ। दर्शन कर लो, आप लोग भी दर्शन कर लो भगवान। तो पूजा पाठ हो चुका है, हमने प्रसाद भी ले लिया, ये दे सकते हैं। और यहाँ पे भी तो अभी जो हो चुके हैं डन, और अभी निकलते हैं बिजली विभाग से, प्रसाद वगैरह भी मुझे मिल गया है, दे सकते हैं। तो बने रहिए और इंजॉय करिए। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आई, प्रसाद भी खाया और उन्होंने प्रसाद दे भी दिया बिजली विभाग सुल्तानपुर। काफ़ी बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ यहाँ पर, सब चीज़ें देख के मज़ा आती हैं। चलते हैं अब आगे। तो ये है अपना तिकोनिया पार्क, अभी चलते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस। थोड़ा सा उधर भी अपन को एक फॉर्म लेना है, और फ्लैग देखिए काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पर। तो मुड़ते हैं, इग्नोर करिए जनरेटर की आवाज़। ये है कलेक्ट्रेट ऑफिस, यहाँ पे स्टाम्प से लेकर के बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, देख सकते हैं बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाता हूँ। और पहुँच चुके हैं बाद मंडी चौराहे पे, और यहाँ सीधे चलना है अभी आगे दरियापुर चौराहा होते हुए, सीधे चले जाइए तो आगे पहुँच सकते हैं। तो ये है दरियापुर चौराहा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस चौराहा इन सुल्तानपुर। ये नहीं, तो ये है दीपक मल्होत्रा वाली गली, और सामने है दीपक मल्होत्रा क्लिनिक, आई स्पेशलिस्ट हैं। और इधर हैं डॉक्टर बानू उल्ला, ये भी कोई डॉक्टर। वैसे वेदर फिर से ख़राब हो रहा है, तो वेदर है ख़राब, काम हो चुका है लगभग सारे, और अभी निकलते हैं घर। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट कर बताइए आप लोगों को यार ब्लॉग कैसा लगा, मोटो ब्लॉग विथ ब्लॉग। तो अगर कुछ आगे दिखाने लायक रहा या आज के डे में तो दिखाऊंगा, नहीं तो चलते हैं सीधे घर। और ये रहा प्रसाद अपना विश्वकर्मा पूजा पर, तो प्रसाद को इंजॉय करते हैं, फिर आप लोगों को झांकी भी दिखाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे साथ लालू भाई और शिव भाई भी हैं, तो अभी विश्वकर्मा पूजा पे आए हैं यहाँ पर, और काफी मजा आने वाली है। अभी झांकी का प्रोग्राम भी है, तो आप लोगों को झांकी भी दिखाऊंगा, प्रसाद पहले खा लेते हैं। जी नौजवान लगे हुए हैं, मैं उनके लिए निवेदन करता हूँ, कहते हैं बड़ा दीजिए। वायर गया है बीच में,
कहते हैं भैया जी मेरे लिए नहीं भाई, भारत के पूरे हिंदुस्तान के जितने जनता जनार्दन है जो भी वहां लगे हुए मॉडल में सबके लिए गा रहा हूँ। कहते हैं कि रंग देना आसमान देना हो चमन देना न धन देना, अगर ये चीज पसंद आएगी जो बात आ रही होनी चाहिए। क्या बात है? कहते हैं कि रंग देना आसमान देना हो चमन देना न धन देना, रे वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना ही वचन देना। अगर दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। और कहते हैं एक 7 साल का बेटा रोकर के अपनी माँ को दिलासा देते हैं, जरा पानी मंगा दीजिए, तत्काल पानी मंगाइए। कहते हैं वो 7 साल का बेटा रोकर के दिलासा दे रहा अपनी माँ को, समझा रहा कि आखिर मम्मी क्यों रोती हो तुम, मैं अपने पापा का बेटा हूँ। और वो 7 साल का बेटा दिलासा देते हुए कह रहा है कि धनुष बाण श्री राम से लेकर चक्र कृष्ण से ले लूंगा, धनुष बाण श्री राम से लेकर चक्र कृष्ण से ले लूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं भी पापा का बदला लूंगा। अरे पापा हुए सही जी सुना है, चिंता मत करना मम्मी, मेरे होते हैं किसी बात से बिल्कुल मत डरना मम्मी, अरे पापा हुए सही जी सुना है बिल्कुल मत डरना मम्मी, किसी बात की चिंता मत करना मम्मी, दिल की ऐसी लाज लगी जो हर कुल तेरा है, पाप में जो दुनिया तेरी ऐसी याद लगाएगा।